नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास, सिंधु घाटी की सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता का अधिकांश स्थल सिंधु एवं इसकी सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है। इसलिए इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेनन के द्वारा दिया गया। हालांकि 1853 ईस्वी में जॉर्ज कनिंघम ने इस सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण किया। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता के पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खुदाई 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा किया गया। कार्बन डेटिंग पद्धति C14 पद्धति के द्वारा इसके कालखंड को 2350 ईस्वी पूर्व में यानी 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक कालखंड प्रोटो हिस्टोरिकल एज के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यता है। हालाँकि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन था। मान्यता थी 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व यानी इसका ठीक किया गया था C14 पत्ती के द्वारा किया गया था। विस्तार उत्तर मंडा चिनाब तट पर, दक्षिण दैमावत गोदावरी तट पर, पूर्व आलमगीर हिंडन तट पर, पश्चिम सुप्ता गेडोर दासक तट पर। इस सभ्यता का पूर्वी स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम स्थल सुप्ता गेडोर था जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दासक नदी के किनारे स्थित था। इस सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल मांडा था जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। इस सभ्यता का दक्षिण स्थल वर्तमान महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे स्थित दैमाबाद था। हड़प्पाकालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। स्थल वर्तमान क्षेत्र उत्खननकर्ता वर्ष और प्रमुख नदी और प्राप्त साक्ष्य। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान। उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी हीलर माधव एम स्वरूप वस्त। इसकी 1921 में उत्खनन हुआ था। प्रमुख नदी जिसमें था रावी नदी था। अन्य भंडार में कांसे की गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुण चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांसे दर्पण था। मोहनजोदड़ो लारकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। राखल दस बनर्जी और मार्टिमर विलर के द्वारा किया गया था। 1922 में किया गया था सिंधु नदी के किनारे। इसमें विशाल स्नानागार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक शिंगरी पशुओं वाली मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। लोथल ये अहमदाबाद गुजरात में है। रंगवा रंगनाथन के द्वारा 1955 एवं से 1962 में हुआ था। भोगवा नदी किनारे है। गोदीवाड़ा वृत्ताकार तथा चौकोर अंगिवेदिका, हाथी का दांत, चावल और बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृत मूर्ति, 3 युग्मी समाधियाँ, चालक लोमड़ी का चिन्ह आदि शामिल हैं। चनहुंद्रो सिंध पाकिस्तान में है। अर्नेस्ट मैकेव एनसी मजमूदार के द्वारा किया था 1931 में। यह सिंधु नदी किनारे है। मनके बनाने का कारखाना इसमें था। बिजली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक का से गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघी, 3 घड़िया वालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा शामिल है। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है।
अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर के द्वारा किया गया था। 1953 में किया था, घग्गर नदी के किनारे है। इसमें काजल पाउडर प्राप्त हुई है, जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलकृत ईंट, चूड़ियाँ क्षमता एक साथ फसल होने के साथ लकड़ी की नाली मिली है। राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में है, सूरज भान के द्वारा किया गया था। 1969 में ये घग्गर नदी के किनारे है। इसमें ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। कोट डीजी ये सिंध पाकिस्तान में है। धूर्य एवं फजल अहमद खान के द्वारा किया था। 1935 से लेकर 1955 तक इसकी खुदाई हुआ था। ये सिंधु सब नदी के किनारे है। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं। बनावली हिसार हरियाणा में है। आर एस बिस्ट और रविंद्र हेस बिस्ट के द्वारा किया गया है। यह 1973 में सरस्वती नदी के किनारे मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहिए का साक्ष्य और जौ मिले हैं। रोपड़ रूपनगर पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। 1955 ईस्वी में किया गया। शतरंज के किनारे हैं। तांबे के कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर काठियावाड़ा गुजरात में है। एस आर राघव के द्वारा किया गया था। यह 1954 ईस्वी में हुआ था। भादर या मादर नदी के किनारे है। इसमें ज्वार बाजरा, तीन संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया है। 1958 ईस्वी में हुआ था और हिंडन नदी के किनारे है। मृत भाड़ों का रंगीन चित्रकारी प्राप्त हुआ है। सुक्ता गेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये आरजेज एस्टाइन और जार्ज डेल्ट के द्वारा किया गया। 1927 से लेकर 1962 ईस्वी के बीच हुआ था। यह दासक नदी किनारे है। तीन संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अवस्थिति, राख से भरा बर्तन मिला है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। गणपति जोशी के द्वारा किया गया। 1982 में चेनाब नदी के किनारे है। बेबुलन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह और चट ब्लेड हड्डी के ब्रह्म मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। सुक्ता को ये पेरिन बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया था 1962 ईस्वी में। इसमें सादी कोर है नदी, जो टीले का मृत भाड़ के साक्ष्य मिला है। सुरकोटदा कच्छ गुजरात में है। ये गजपति जोशी के द्वारा किया गया था 1964 ईस्वी में। सरस्वती नदी के किनारे कलश, शवधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलरा मिला है। इस सभ्यता के अधिकांश स्थल से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो यह प्रमाणित करती है कि इस काल में समाज मातृ संतानात्मक रहा होगा। इस काल में जातिवाद की चर्चा नहीं मिलती है, किंतु समाज विभिन्न वर्गों में अंतर रखा गया है। समाज में सबसे ऊंचा स्थान पुरोहित वर्ग का था, किंतु प्रशासनिक व्यवस्था वणिक या व्यापारिक वर्ग में हाथों में था। समाज में सबसे नीचा स्थान श्रमिक वर्ग का था। इस काल के लोगों की आर्थिक जीवन कृषि के साथ साथ वाणिज्य व्यापार पर आधारित था। जो लोग सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे, जिसमें अधिकांश सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। इस काल के लोग रागी, मड़ुआ फसल को छोड़कर लगभग सभी फसल से परिचित थे। चावल और गेहूँ उगाने का अस्पष्ट प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से मिला है। इस काल में लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे। इस काल के लोगों का प्रिय पशु वृषक यानी कुंवर वाला बैल या सांड था, जबकि सबसे पवित्र पक्षी बतख डक था। सबसे पवित्र नदी सिंधु एवं सबसे पवित्र वृक्ष पीपल को मानते थे। इस काल के लोग धार्मिक क्रियाकलाप के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन भी करता था, जिसका प्रमाण स्पष्ट रूप से कालीबंगा से मिला है। इस काल में शिव की आकृति अधिक स्थानों से मिला है, जो यह प्रमाणित करता है कि इस काल के प्रिय देवता पशुपति शिव थे। इस काल में लोग अंत्येष्टि संस्कार में भी विश्वास करते थे। इस काल में यह संस्कार तीन प्रकार से किया जाता था। दाह संस्कार,
आंशिक सावधान और पूर्व सावधान, पूर्ण सावधान। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन प्रणाली थी। इस काल में नगर दो भागों में बंटा रहता था। पूर्वी भाग में सामान्य लोग निवास करते थे, जबकि पश्चिमी भाग में ऊंचे वर्ग के लोग निवास करते थे। इस काल के मात्र एक स्थल धौलावीरा से नगर के तीन भागों में बटे होने का प्रमाण मिला है, जिसमें पूर्वी भाग सामान्य जनता के लिए, पश्चिमी भाग उच्च वर्ग लोग यानी श्रेष्ठ जन के लिए तथा मध्य भाग में बाजार स्थित होता था। इस काल में मुख्य सड़क से सहायक सड़क समकोण एवं आकार मिलती थी। सड़क के दोनों किनारे पल स्तर नुमा नाला होता था, जिसमें एक मोटे पत्थर से ढक दिया जाता था। इस सभ्यता का एकमात्र स्थल बनवाली था, जहाँ से किसी भी प्रकार का नाला का प्रमाण नहीं मिला है और न ही यहाँ के सड़क समकोण का आकार मिले थे। इस काल में सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से मिला है। इस काल में व्यापार वाणिज्य काफ़ी विकसित होता था, जो सड़क मार्ग एवं समुद्री मार्गों के द्वारा देश के आंतरिक हिस्सों के साथ साथ बाहरी देशों से भी किया जाता था। इस काल में लोग तांबा राजस्थान के खेतड़ी बलूचिस्तान से आयात करते थे, जबकि चांदी टीन सीसा अफगानिस्तान एवं ईरान से आयात करते थे। इसके अतिरिक्त सोना की प्राप्ति दक्षिण भारत एवं अफगानिस्तान से करते थे। इस सभ्यता के लोगों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इसी सभ्यता के प्रयोग में लाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के सभ्यता के बीच कई स्थल का प्रमाण मिले, जिसे दिलमुन माकन एवं उर तीन महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। इस उर नामक स्थल को दोनों सभ्यता का प्रवेश द्वार माना गया है। प्रमुख आयातिक कच्चा माल और क्षेत्र चांदी ईरान और अफगानिस्तान, टीन ईरान और अफगानिस्तान, सोना अफगानिस्तान, फारस दक्षिणी भारत, लाजवर्द मेसोपोटामिया अफगानिस्तान, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान, नीलरत्नमणि बदख्शा अफगानिस्तान, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात, नीलमणि महाराष्ट्र दक्षिण भारत, हरितमणि दक्षिण एशिया, शंख कौड़िया सौराष्ट्र दक्षिण भारत, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र, सीसा ईरान अफगानिस्तान और राजस्थान में प्राप्त हुए। 1750 ईसा पूर्व तक आते आते इस सभ्यता का पतन होने लगा, जिसके लिए विद्वानों ने कई कारण तो बताया, जैसे विदेशी आक्रमण, विलय, बाढ़ के कारण, जान मार्सन एवं मैके द्वारा, और जलवायु परिवर्तन ओरेल एस्टाइन द्वारा, और प्रशासनिक शिथिलता जान मार्सल के द्वारा। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो करें, साथ में बेल आइकन के बटन दबाना नहीं भूलें।